हमारे स्कूल में हर साल होता है आई के एल सी का कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होता है और जाए? सारी कंट्रीज़ पार्ट लेती हैं उसमें तो उसमें मैंने फोर्थ क्लास में और एट्थ क्लास में ब्रॉन्ज मेडल लिया था जाए? पार्ट लिया था मिसमो में तो उस कंपटीशन में मैथ्स के रिलेटेड सवाल थे तीन राउंड थे एक मैथमेटिक बेसिक एक ज्योमेट्री और एक अल्जब्रा का सही तो है? उसमें मेरी कराची में पूरे फिफ्थ पोजीशन आई थी हर साल फर्स्ट आया हूँ इसीलिए आखिर लास्ट साल मुझे आ, एक स्कूल वाले ने अवार्ड दिया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर का एज क्या है आ, एज मेरी 14 है और अभी मैं वेब एंड डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं फर्स्ट से लेकर एट क्लास तक उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की और मजे की बात यह कि इंटरनेशनल कंपटीशन में दो बार ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और लोकल कंपटीशन में फिफ्स पोजीशन। मजीद क्या करते हैं एस के अंदर क्या पढ़ रहे हैं आइए चलते हैं इस वीडियो में दिखाते हैं आप अजहानल्ला खान साहब कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ सर आप कैसे हैं अलहमदुल्ला मैंने सुना है कि यार आपने बहुत सारे कंपटीशन जीते हुए और पहली क्लास से लेके एट तक आप जो है फर्स्ट आए हो ये है सीन है जी सर स्कूल्स में जो है तो फर्स्ट क्लास से लेके एट क्लास तक अभी तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैं हर साल फर्स्ट पोजीशन हर साल फर्स्ट मतलब सेकंड थर्ड कुछ नहीं डायरेक्ट फर्स्ट नहीं फर्स्ट फर्स हर साल और हर साल हमारे चार सेमेस्टर होते हैं फर्स्ट क्लास में फोर सेमेस्टर हुए और सेकेंड क्लास में फोर सेमेस्टर हुए तो उन फोर सेमेस्टर में भी मैं फर्स्ट ही आया हूँ

अच्छा मुझे बताओ कि ये इंटरनेशनल कैंग लिंग्विस्टिक कंपटीशन में भी आपने सुना है कि ब्रोन्स की मेडल लिए हुए हैं ये क्या था किस तरह आपने अप्लाई किया था और उसमें क्या पोजीशन ली थी और मेडल आपको बाहर से मिले थे या लोकल और कंपटीशन में कौन कौन से स्कूल से थोड़ा बताओ कि इस बारे में हमारे स्कूल में जो है कॉम्पिटिशन होते रहते हैं तो हमारे स्कूल में हर साल होता है आई का कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होता है और सारी कंट्रीज पार्ट लेती हैं उसमें तो उसमें मैंने फोर्थ क्लास में और एट क्लास में ब्रॉन्ज मेडल लिया था उसमें मुझे और उस कंपटीशन में होता ये कि लिंग्विस्टिक सवाल होते हैं लाइक like, सवाल कैसे होते हैं जैसे ग्रामर के रिलेटेड पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनेट इस तरह ग्रामर की पंक्चुएशन और सही हो गया मतलब आप इंग्लिश से रिलेटेड कह रहे हो ये टेस्ट होता है और ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड होता है और इसमें आपको जो टेस्ट अपने अपेयर हुआ था ये ऑनलाइन हुआ था टेस्ट नहीं स्कूल में ही होता है और वहीं से क्वेश्चन आते कंपटीशन अच्छा, अच्छा जीता हुआ है, वो मिस्मो जो है दारा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ा इदारा है जो कि मैथमेटिक्स के ओलम्पिक को डील करते हैं ये लोग और इसमें भी आपने कोई पोजीशन ली है इसका क्या सीन है जी, जी मैं फाइव क्लास में था तो मैंने वाला कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था तो उस कंपटीशन में मैथ्स के रिलेटेड सवाल थे तीन राउंड थे एक मैथमेटिक बेसिक एक जोमेट्री और एक अल्जबरा का सही तो उसमें मेरी कराची में पूरे पोजीशन आई थी पूरे कराची में आपकी फिफ्थ पोजीशन आई थी जी जबरदस्त और मुझे ये बताओ कि आप जो सैलानी में वेब डेवलपमेंट कर रहे हो वहाँ पर आपका कितना कोर्स आएगी अभी और आपकी एज क्या है एज मेरी फोर्टीन है और अभी मैं वेबन एप डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ कंटिन्यूटी में अभी तो और हमने अभी तक एस टी एम एल सी एस एस जावागर पढ़ लिया ये जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो लैंग्वेज हैं ये आसानी से हो जाती हैं या थोड़ी हर्डल फेस करने पड़ते हैं या मुश्किल है थोड़ा हर्डल तो होते ही हर चीज़ में जो आप लर्न कर रहे हो लेकिन सर की भी सर भी अच्छा पढ़ाते हैं और कौन सर पढ़ाते हैं नाम लोगे? आप सर बताओ इस्वान। सर रिजवान सही है अच्छा मुझे बताओ कि आपका जो

तो आगे क्या मैट्रिक में पोजीशन लेनी है इंटर में भी लेनी है की कहाँ तक जाना है जरा थोड़ा उसमें ही बता दो आप जरा आगे स्टडीज तो कंटिन्यू रखनी है और इस तरह जो मैं कोर्स कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो भी करता रहूँगा स्टडीज में आगे फर्दर क्या इरादा है करने का ये इंशाल्लाह हो जाता है आपका आप कह रहे हो कि आपका इन प्रोसेस है आठ नौ महीने कितने आपको टाइम हुआ है अभी अभी कोर्स में एक साल के करीब हो गया एक और कितना रहता है चार महीने लगेंगे ठीक awesome. है इसके बाद आपका फर्दर मैं पूछ रहा हूँ आगे क्या प्लान करना है आपने यहाँ क्या किया है तो सोचा है इस बारे में आ, आगे क्या आगे है डेवलपमेंट के कोर्स के बाद मुझे डेटा स्ट्रक्चर और इन चीज़ों में इंटरेस्ट है एल्गोरिथम्स में तो डेटा साइंस का कोर्स करने का इरादा है अच्छा डेटा की तरफ जाओगे ज़बरदस्त अच्छा मुझे बताओ कि आपकी जो तो सराउंडिंग के दोस्त यार हैं आपने बताया कि जिस तरह आपकी ये सारे कोलीग्स थे माशाल्लाह वो अर्निंग कर रहे हैं आप अभी अर्निंग का सोचा नहीं है या इरादा है या आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि मैं जब उतरूँ मार्केट में तो मैं जेनवन तरीके से अच्छी खासी अर्निंग करूँ हाँ, क्या यही है मैं देखिए मैंने पहली दफ़ा जैसे कोर्स करा है तो पहली दफ़ा कोर्स करने में मेरा ये इरादा है कि अभी जो मैं टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ उसको मैं सही से सीखूँ और उसमें सारी अपनी स्किल्स पॉलिश करूँ और उसके बाद जब मेरा ये वाला कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह अर्निंग की तरफ मूव करूँ सही है वैसे आपका एक एक्सपेक्टेशन कितनी है अभी स्टार्ट के अंदर कितना आप जो है ना कितना स्टार्ट में कितना कर लोगे अर्निंग अभी भी अगर मैं करूँ तो एक प्रॉपर फ्रंट एंड डेवलपर की जो सैलरी होती है पर मंथ थ्री थ्री थर्टी के से लेके फिफ्टी तक इनिशियली जी सही हो गया अच्छा मुझे ये बताओ कि अजान के आप इसके अलावा कोई एक्टिविटी करते हो लाइक गेमिंग और कुछ एप्लीकेशन वगैरह या इस तरीके से कुछ होते हैं ना लोग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे होते हैं या अपनी साथ साथ मोटिवेशन को लेके कुछ एक्स्ट्रा टाइम के अंदर वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं गेमिंग कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं इस तरह की एक्टिविटी है आपकी इस कोर्स के अलावा तो मैंने ये जब कोर्स स्टार्ट हुआ था तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो अभी मैंने अपलोड करना तो वीडियो शुरू करी है तो उसमें मैं सिंपल एस टी एम एल सी एस एस की करता हूँ वीडियो अच्छा आप वहाँ भी पढ़ा रहे हो जी अल्लाह इरादा किया हुआ कि टीचिंग अच्छा ये टीचिंग करने का भी शौक है आपको जबरदस्त अच्छा मुझे बताओ कि इसके अलावा जो आपका फोकस है एक तो स्टडीज इंसान लेता है कि साथ साथ अपनी एजुकेशन को लेके चले लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन है आपकी वो आप मैनेज कर लेते दो दोनों जी टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ता है जिस स्कूल की स्टडीज़ और यहाँ जो होमवर्क वगैरह जो भी असाइनमेंट मिलते हैं उनको अलग अलग टाइम पर मैनेज करना पड़ता है अच्छा आसान मुझे ये बताओ कि आप जो टेक्नो किड्स में आपने एडमिशन लिया था वो किस तरह एडमिशन लिया लाइक like, आपको किसी ने बताया या आपको किसी ने रिकमेंड किया था रिकमेंड किया था क्योंकि जो फर्स्ट बैच था टेक्नो किड्स का तो उसमें मेरा कज़न था तो अच्छा। उसके बाद जब उसको पता चला कि इतने अच्छी या सब कुछ पढ़ा रहे हैं तो सेकेंड बैच जो हुआ ना उसमें उसने सजेस्ट करा क्योंकि छुट्टियाँ थी वेकेशन समय वेकेशन जो होती हैं तो टाइम था तो फिर कज़न से से मुझे पता चला था और था और फिर मैंने अप्लाई करा सही है और ये की आपके हिसाब आपकी आपने जो सराउंडिंग के के अपने बैच के लोग देखे उनकी एज कितनी होगी लाइक अगर छोटे से मैं से मैं आपसे कि आपके बैच में सबसे छोटा बच्चा कितना था कितनी उसकी बच्चे भी थे

जो आप कोशिश कर रहे हो टेक्नो किट्स के जो आपको बेसिक है जो स्ट्रांग आप कह रहे हो कि मैंने कॉम्पटिशन भी जीते हैं इंग्लिश वाले तो वहाँ से वो वाल साहब की तरफ से आया क्या कि यार ये बुक लेके आओ मैं ये पढ़ो आज ये बुक नहीं ये इस ये, ये, ये ट्रेंड पे चल रही है ये बहुत शॉर्टेज है बुक की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है तो इस तरह की रिकमेंडेशन होती थी घर से जी लाते तो हैं वो मुझे भी बुक देते हैं और आ, मुझे भी अगर कोई मंगवानी होती है तो फिर मैं मंगवाता हूँ ज़बरदस्त तो डिस्काउंट देते हैं वाल साहब डिस्काउंट फ्री में देते हैं फ्री देते हैं चलो के मजाक कर रहा था अच्छा ये था कि हम इसको एंड पे लेके जाएंगे मुझे बताओ कि आपकी एज के जो बच्चे हैं उनको क्या आप सजेस्ट करोगे कि यार इस कोर्स में कितने ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है और कितना अच्छा पढ़ाया जाता है या उनको क्या करना चाहिए वेब डेवलपमेंट कोर्सेज के अलावा दूसरी और कोई कोर्सेज़ होते हैं जैसे ए आई मेटावर्स उनको क्या रेकमेंड करोगे जो आपकी एज ग्रुप के बच्चे हैं मेरी एज ग्रुप जैसे थर्टीन साल के जो बच्चे हैं तो उनको तो मैं ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि जो बेसिक मैंने भी कोर्स सबसे पहले टेक्नोक्रस्ट का ही करा कर था तो वही करना चाहिए अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हो ताकि आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो उसके बाद उससे आपको ये भी फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ इंटरेस्ट है या वेब एंड एम डेवलपमेंट की तरफ तो आगे कोर्स करने में ईजी होता है सही हो गया चलो इनशाला आपको ये अल्लाह मुबारक करे जो आप ये कर रहे हो और इसी तरह चलते रहो कामयाबी आपके कदम चुमेगी इनशाला आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप कुछ कच्चा कोई जिस तरह आपने बताया कि मैंने बचपन से लेके कर पोजिशन ली हैं और माशाल्लाह दो ब्रॉन्ज मेडल भी आपने हासिल किए हैं तो गुड लक और इसी तरह चलते रहो और अपने वालदेन और पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान का सैलानी पाकिस्तान का सैलानी